तो जब भी कोई मर्द अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल जाता है ना, तो वो अपने आप से एक वादा जरूर करता है कि अगली बार मैं इस दाम में नहीं आऊंगा। समटाइम इट्स बिकॉज ऑफ पैसा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज ऑफ बोरियत, और ज्यादा बोरियत, महाबोरियत। लेकिन फिर नेक्स्ट वीक जब वो दोबारा से तैयार होकर बीवी के साथ जा रहा होता शॉपिंग मॉल, तो इसी को शोहरिज्म कहते हैं। हाय बेचारे शोहर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको एक न्यू ब्लॉग। तो आज संडे, और संडे में वैसे नॉर्वे में शॉपिंग का, शॉपिंग मॉल्स वगैरह का कोई सीन नहीं होता, लेकिन दिसंबर जो है ना वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी इजाज़त है। उसमें दिसंबर में संडेज को दुकानें खुलती हैं और शॉपिंग सेंटर्स खुलते हैं, और ये फिर हमें जाना पड़ता है। क्यों जुल्फी भाई? बिल्कुल, कोई ऑप्शन नहीं रहता। मेरा ख्याल है, मैं पहली दफा जा रही हूं ऐसे, लेकिन शॉपिंग पे जाना पड़ता है। ये पॉइंट है। शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं, जाके शॉपिंग ही होनी है। ये इस तरह के बहाने हमने बहुत सुने हुए कि हम वैसे ही जा रहे हैं, चक्कर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड में होता क्या, शॉपिंग। वैसे मुझे ये समझ नहीं कि हम अपना स्ट्रोमबेन सेंटर, जो कि नॉर्वे का सबसे बड़ा सेंटर में से एक है, वो छोड़ के हम थ्री आदमी क्यों जा रहे हैं जुल्फी भाई? क्योंकि वो जरा नया बना है और उसकी लुक अच्छी है। आपको और वैसे स्ट्रोमबेन में आज बहुत रश होगा, क्योंकि लोग ना क्रिसमस गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रश होता है स्ट्रोमबेन में। तो अभी हम सेंटर तो पहुंच गए, लेकिन रश यहाँ भी बहुत ज्यादा है। अभी सेंटर खुला है, मतलब आधा घंटा वो सेंटर खुले हुए, पार्किंग में जगह ही नहीं मिल रही। तो अभी हमें उतार के जुल्फी भाई गाड़ी कहीं पार्क करने गए हैं बाहर कहीं, या कहीं भी जगह मिलती है। लोगों को क्या लग रहा है, मुफ्त में चीजें बांट रही है आज, है ना? आयरा को तो कुछ मिल गया खेलने के लिए। मुझे कहती है कि घोड़े पे बैठना, मैं लीना भी बैठ गई, आयरा भी बैठ गई। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। अरे ये क्या है? अच्छा अपना स्ट्रॉलर हो तो बैठना नहीं है, ये लेना क्या, तो इसमें बैठना है ना? बिल्कुल। तो जुल्फी भाई ने हमें कहा कि आगे ना कहीं शो हो रहा है, तो चले वहाँ शो देखते हैं। जुल्फी भाई किसका शो हो रहा है वैसे? वो फ़ोन पे लाके हैं ज़रा। तो बच्चों के लिए एक्चुअली कुछ एक्टिविटी होगी उधर ज़रा ना, क्रिसमस के हवाले से, तो वो जाके देखते हैं। तो ये है जी वो शो जिसकी जुल्फी भाई बात कर रहे थे। आपको ये गाना आता है? जाके गए ना अभी उनके साथ, फिर मैं वरना वो वैसे ही उनको भागना पड़ेगा आपकी सिंगिंग देख के। जी आप जाके सुनाए गाना, आपको बॉलीवुड का सुना है। आपके लिए एक चैलेंज है जी, आपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाना और वहाँ से फिर ना ऐसे घूम के नीचे आना इसमें से। नहीं आ सकते हैं? नहीं। क्यों? अच्छा आदिला भाभी करेंगी ये चैलेंज, मुझे पता है वो चैलेंज बहुत एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो बहुत मतलब आप फौरन हर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं करती। आप करें ना वो ऊपर से, वो तो आप कर चुकी है कितनी बार। नहीं ये मेरे से ऊपर का काम है। नहीं ऐसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। चलो जी। नो नो नो। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी।
सायरा को देखें आप सारे झूले वगैरह लेने के बाद आप अंदर से इनको देख रही है कि ये क्या चीज़ें हैं। अरे ये क्या है, ये क्या है? गुड़िया। अच्छा गुड़िया। यार अभी हमने बहुत ज़्यादा ना मतलब गाने भी सुन लिए, कंसर्ट देख लिया, झूले भी ले लिए, अब हमारा टाइम है खाने पीने का कुछ। हालांकि मतलब आज सुबह से मैं दो बार नाश्ता कर चुका हूँ पर फिर भी हमेशा पेट में गुंजाइश रहती है। तो अभी एक काफ़ी मज़े की जगह इधर है, स्पीसरी है, तो वहाँ हम खाने के लिए कुछ आए। तो जी यहाँ महफिल जमी है अभी खाने पीने की, कुछ केक वगैरह खाए जा रहे हैं। आपने कॉफ़ी वगैरह नहीं ली? नहीं यार, मूड नहीं। मेरी कैपेसिटी में तो आ रही है। जुल्फी भाई को ना चाय पसंद है ना काफ़ी पसंद है, पता नहीं इनको पसंद क्या है, ये हमें समझ नहीं आती। आज हमसे ये इनसे हम ये पूछने की कोशिश करते हैं सब कुछ। ये आप हमेशा कहते हैं फिर खाते कुछ भी नहीं है ना पीते हैं कुछ, वो मूड होता तभी होता है ना। वैसे ये जो बयान आपने दिया ना कि हर चीज़ में खा लेता हूँ, ये तो आदिला भाभी वाला बयान है। वही मैंने उसको, वो आप स्टोरी सुनाना चाहेंगे? वो हर चीज़ खा लेती है। ये आपने सुना था शादी से पहले? हाँ, लेकिन करेले नहीं खाती, भिंडियाँ नहीं खाती, गोभी नहीं खाती, गुंगलू नहीं खाती, तोरियाँ नहीं खाती, तोरियाँ नहीं खाती, क्रेजी नहीं खाती, क्रेजी नहीं खाती, बड़ा गोश्त नहीं खाती, तो लेकिन वैसे सब कुछ खा लेती है। सब कुछ खा लेती हैं, हाँ सब कुछ खा लेती हैं, वैसे सब कुछ, सब कुछ खा लेती हैं। और इसके साथ हमारी कैपेसिटी में पहुँच गई और उसने दिल बनाने की पूरी कोशिश की है लेकिन बना नहीं। कैपेचिनो ज़रा भी मज़े की नहीं है, वैसे जो हमारे घर में काफ़ी बनती है वो इससे ज़्यादा मज़े की। तो अभी हम इधर बैठे हैं तो हमें पेश आ गया एक सीरियस किस्म का मसला, सीरियस किस्म का क्वेश्चन। यहाँ ना पीछे एक दुकान है जिसका नाम है मैच। तो अम्मी कब से बैठ के पढ़ने की कोशिश करें कि उसका नाम क्या है, तो कहते हैं ये क्या लिखा, हमने कहा मैच लिखा हुआ ना, तो कहते हैं फिर उसमें टी क्यों आ रहा है? क्यों जुल्फी भाई, कैसा क्वेश्चन है ये? तो वाकई सीरियस। हाँ अम्मी ਉਹਨ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਟੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਐਮ ਕੇ ਹਾਂ ਖਲਾ ਐਮ ਆ ਐਚ ਮੈਚ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੇ ਤੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਂਡ ਐਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ, ਇਨਕੋ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋਣ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਾਈ? ਹਾਂ ਇਹ ਹਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਨਾ, ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਪੜੇਗੀ ਇਸ ਪਰ। ओ ये लड़की कौन आ रही है, कौन आ रही है, कौन आ रही है? ओए 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 पिकाबू, पिकाबू। चलें जी अब घर को चलते हैं। वैसे आज आज कोई 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 शॉपिंग नहीं मिला आज 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 वैसे कोई मौजज़ा ही हुआ है, ये ख्वातीन की पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ आगा के शॉपिंग सेंटर में आके, शॉपिंग मॉल में आके कोई शॉपिंग ना की। वो शॉपिंग करने नहीं आए थे ना, फिर भी पहले भी ये होता है, शॉपिंग करने नहीं आते पर हो जाती है ऑटोमेटिकली। वायरा की जैकेट पकड़ी हुई है मैंने। हाँ वो बस, तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पहली बार। फिर आपने कई दफा मुझे चीजें लेकर दी। हाँ फिर इसके कंपनसेशन के लिए अगले हफ्ते को हम आएंगे, ठीक है, शॉपिंग पे। तो जी अभी हम घर पहुंचे और हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ किचन में कोई एक्टिविटी चल रही है, तो पता चलना चाहिए कि आज रात को क्या बन रहा है हमारे लिए। यहाँ आलू वगैरह तो काफी ऐसे छिले हुए हैं। आयरा से जब पूछते हैं ना कि आप ना इधर के खाना खाना बना रहे हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, गैस कर सकता हूँ। पिज्जा तो आजकल वैसे होममेड पिज्जा ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लिटरली मतलब पिछले कुछ अरसे से जितना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया पिज्ज़ा जो यहाँ हलाल लोग बेचते हैं उन जगहों से, तो कोई भी मज़े का नहीं था पिज़्ज़ा। तो अगर आप नॉर्वे से व्लॉग देख रहे हैं और आपके हाल में कोई रिकमेंडेशन है जो अच्छा पिज़्ज़ा देते हैं हलाल, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने क्या कहा ज़ुल्फी भाई को, आपने कुछ कहा है क्या? असल वाले पिज़्ज़ा की हेल्प करें। हाँ क्योंकि ज़ुल्फी भाई को तो बहुत तजुर्बा है पिज़्ज़ा बनाने का, पिज़्ज़ा मास्टर है ना। हाँ तो इसीलिए वो बनाते नहीं है, वो आप लोगों को उन्होंने रखा हुआ पिज्जा बनाने के लिए। वो जैसे शेफ आता है ना, तो आके बस चेक करते हैं, चेक के ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ही करते हैं हर बार, है ना। हाँ देख के हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो वैसे आज कौन सा पिज्जा बन रहा है? मुझे चाहिए एक्चुअली टूना फिश वाला भी। देखा मुझे पता था वो नहीं होएगा, जो मैं चाह रहा था वो कभी नहीं बनाते ये लोग। तो अभी क्या बन रहा है? कीमा, आलू, चिकन। चिकन चिकन होना चाहिए ना यार, आज नहीं है। ट्यूना है,
चलो वाह फिर ठीक है मैं खा लूंगा। तो जनाब यार पिज्जा तो अभी बन रहा है, हमें लग गई है डड्डी किस्म की भूख। ये आ रहा लीना का पिज्जा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं यहाँ से उठा के खा ही लूँ। तो अब बच्चों का खाना चोरी करूँ मैं यार, ये थोड़ा मतलब मेरा जो मतलब स्टैंडर्ड है उसके साथ जरा शान के खिलाफ हो गया ना बात, तो क्या करें फिर। कैमरा बंद करके फिर खाता हूँ। तो उधर वो मैडम कूद रही है और इधर हम आयरा के लिए आयरा को पिज्जा खिला रहे हैं। आयरा जी, आयरा जी, ओ ओ आयरा, आयरा पिज्जा मजे के। फाइनली जी पिज्जा तैयार है और खाने के लिए लोग भी बैठ चुके हैं, लेकिन आज मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगी डैडी भूख, तो मैं तो पहले खाने पे टूटने लगा हूँ। शॉर्ट्स आप जो पहले देखते रहे ना पुराने व्लॉग्स में वही काफी है। और वो बकर बेचारे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आज, तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए खिचड़ी बना लेते, पिज्जा कैसे खाएगा वो, मतलब हैवी हो जाएगा ना उसके पेट में। नहीं मतलब उसके लिए कोई ना दलिया शलिया बना दो क्या, सही रहता है ना हजमा ठीक रहेगा। हमें तो आप बकर का ख्याल है, जोर खत्म हो गया पिज्जे से, कौन सा जोर आएगा इसको यही बना के दे। तो जी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिज्जा इतना ही मजे का था और आपके भाई ने डट के खाया, आप सही से ना नींद आने लगी क्योंकि इतना ज्यादा खा लिया ना। एनीवे सुबह काम पे जाना है तो उसके वाले से भी इसी तैयारियाँ शुरू होने लगी हैं, कपड़े शपड़े निकालने हैं। आयरा ने भी सोना है क्योंकि उसने भी सुबह किंडरगार्टन जाना है, लेकिन ये आयरा का आखिरी हफ्ता होगा किंडरगार्टन में क्रिसमस की छुट्टियों से पहले, तो फिर क्रिसमस की छुट्टियाँ रहेंगी आयरा को तकरीबन 2-2.5 हफ्ते जितनी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये की छुट्टियाँ होंगी। तो चलो वो आराम करेगी अपना एंजॉय करेगी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा कि व्लॉग आते रहने चाहिए तो छोटा मोटा जितना भी व्लॉग बनता है बना लेना चाहिए, तो ये आज बस ऐसा छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको इस तरह के व्लॉग चाहिए और आपको अगर ये पसंद भी आया तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार कितनी बार मैं कह के थक चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या मसला है, आप लोगों के तावन से ही चैनल चलना है वरना फिर मुझे बंद करना पड़ जाना है। तो अभी हम थोड़ा इस बारे में भी एक वीडियो बनानी है कि ये साल कैसा रहा, 2023 कैसा रहा हमारे चैनल के लिए भी और वैसे भी हमारे लिए पर्सनली कैसा रहा, तो इस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए, दूसरों को भी जीने दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।